आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सहारनपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें, रामपुर मनिहारान कस्बे के एक मोहल्ले के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को शिकायती पत्र देकर यहां पर रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के लीड व फ्यूज कंडक्टर बदलवाने की मांग की है। मंगलवार को कस्बे के मोहल्ला पीपलतला के लोक नगर पंचायत के वार्ड सभासद नदीम अहमद के नेतृत्व में बिजली घर पर शासन के निर्देश पर आयोजित उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर में पहुंचे और विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को शिकायती पत्र देकर बताया कि मोहल्ले में हाथी चौक पर रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के फ्यूज कंडक्टर व लीड खराब हो गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है और किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है। जनहित में ट्रांसफार्मर को सुचारू कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान राशिद अहमद, सारिक जमाल, शाहिद हसन, सलमान, नदीम अहमद, तारिक ताबिश अहमद, गुलजार आदि लोग मौजूद रहे। किस बात को लेकर सौंपा? आज हमने बिजली घर पर जो समाधान दिवस लग रहा है उसमें एक ज्ञापन SDO साहब और जय साहब को दिया है। जो हमारा 400 KVA का ट्रांसफार्मर हाथी चौक पर रखा हुआ है उसमें आए दिन लीडें ख़राब होती रहती हैं, लीडें पटकती हैं और उसकी मेन लीड ख़राब है और उसमें तेल नहीं है। उसके लिए आज हमने एक ज्ञापन SDO साहब और जय साहब को दिया है। वहां से हमें आश्वासन मिला कि एक दो दिन के अंदर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।